हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा नाम सूरज पटेल है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज का जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो मेरे TY के फ्रेंड्स हैं जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे जो TY बीकॉम के फ्रेंड्स हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो मेरे TY के फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है जो डायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, मैं डायरेक्ट टैक्स का आप लोगों को इम्पोर्टेंस देने वाला एग्ज़ाम तो चालू है मेरे फ्रेंड्स लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर जैसे कि आपको दिख रहा है जो डायरेक्ट टैक्स का मैं आप लोगों को इस वीडियो में इम्पोर्टेंस देने वाला हूँ। ठीक है, थेरी तो देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हर कोई आपको थेरी का इम्पोर्टेंस दे देगा, लेकिन प्रैक्टिकल का कोई भी इम्पोर्टेंस देता नहीं कि आपको एग्जाम टाइम पे कौन से सम करके जाना चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को थेरी के साथ ही साथ प्रैक्टिकल के भी इम्पोर्टेंस दूंगा कि आप लोगों को एग्जाम जाते वक्त क्या क्या प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते कि आप लोगों को क्या क्या तैयारी करके जाना है। तो पहले मैं आप लोगों को सबको थेरी का इंपॉर्टेंस दे देता हूँ कि आपको थेरी में क्या कर करके जाना है। ठीक है, और हल्का हल्का एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, इधर लिखा हुआ है रेसिडेंटल स्टेटस। गाइस, रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में आप लोगों को पता होगा, 182 डे स्टे इन इंडिया। ठीक है, ये आप लोगों को जो रूल है बेसिक कंडीशन का जो रूल है, बाद में एडिशनल कंडीशन का रूल है, आप रेसिडेंटल स्टेटस में बता सकते कि ये सब उनका रूल्स है, ये रूल्स उन्हें अप्लाई करना होता है। अगर वो रूल्स अप्लाई करता है तो उसे हम इंडिया में मान देते हैं कि वो रेसिडेंट है, अगर उन्होंने रूल सेटिस्फाई किया। अगर नहीं किया तो वो नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो फिर हम उसको चेक करते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये उसके बारे में गाइस लिख सकते हो। देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको करके जाना परक्यूजिट। अच्छा, टैक्सेबल परक्यूजिट। अब परक्यूजिट क्या होता है गाइस? आपको अगर अलावेंस पता है कि इम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एक एडिशनल बेनिफिट देता है, मतलब एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है उन लोगों को। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा काफ़ी एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस देते हैं। क्या देते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बहुत से लोग पास बनवाने के लिए पैसा दे देते हैं कि 1000 रुपया ले ले और अपना जाके पास बना ले। अब सामने वाला एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर ने जो पैसा दिया है उसका पास बनाए या ना बनाए, एम्प्लॉयर को लेना देना नहीं, उसने अपना पैसा दे दिया। वो जो पैसा देता है उसे बोलते हैं अलावेंस। ठीक है, अब ये परक्यूजिट क्या होता है? अलावेंस अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को दे दिया है तो परक्यूजिट क्यों देता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को और एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, उसे बोलते हैं परक्यूजिट। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? अपना क्लब फैसिलिटी दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दिया उसे बोलते हैं परक्यूजिट। अच्छा, परक्यूजिट और अलावेंस में दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है परक्यूजिट और अलावेंस में? अलावेंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एक सम अमाउंट दे देता है, वो खर्चा करे या ना करे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन परक्यूजिट में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो पैसा देता है वो पैसा तभी उसको देगा जब एम्प्लॉई ने पैसा एक्सपेंस किया हो, खर्चा किया होगा, तभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को पैसा वो रीएम्बर्समेंट करेगा, उसे बोलते हैं परक्यूजिट। गाइस, मैंने आपको हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप ऐसा लिख सकते हो, आप थ्योरी में लिख सकते हो, मैं इसके लिए आप लोगों का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद है इम्पोर्टेंट तीसरा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। यहाँ फ्रेंड्स काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, मैं आप लोगों का एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलेंडर ईयर आपको पता है 1 जनवरी से चालू होता है, ठीक है, कोई भी ईयर ले लो, और ख़त्म कब होता है? 31 दिसंबर के दिन ख़त्म हो जाता है। जो कैलेंडर में जो ईयर होता है 1 जनवरी से चालू होता है, 31 दिसंबर में ख़त्म होता है, उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, अब हमारा आता है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंस ईयर। ठीक है, आज का डेट क्या है? आज का डेट है समझो 5 तारीख, कौन सा महीना है? 10वां महीना 2019। ठीक है गाइस, अच्छा असेसमेंट ईयर, इस ईयर को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इस ईयर में चल रहा है। इसके एक आगे वाले साल जो आएगा 2020, इसे बोलेंगे असेसमेंट ईयर, और इसके जो एक पीछे वाला ईयर होगा, ठीक है, 2018, इसे बोलेंगे प्रीवियस ईयर। गाइस आपको समझ में आया? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर।
ठीक है। देन बाद में आप लोगों को गाइस करके जाना है कैपिटल असेट क्या क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कैपिटल असेट दो पार्ट में डिवाइड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी एक करके जाना है। फिर हेड ऑफ इनकम आपको करके जाना, आपको पता होगा कि फाइव हेड ऑफ इनकम है, इनकम फॉर सैलरी, इनकम फॉर बिजनेस, इनकम फॉर अदर सोर्स, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में आपको ये करके जाना और उसमें थ्योरी लिखना है, इसी तरह लिखना है कि इन अपना ये हेड ऑफ इनकम, फाइव हेड ऑफ इनकम, इनकम फॉर सैलरी, इनकम फॉर अदर सोर्स, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, और दो दो लाइन उनके बारे में लिख दो। आपको ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने रहेंगे, तो इजिली हो जाएगा। आई होप कि गाइस ये आपको पांचों एक्सप्लेन भी कर दिया, मैंने बता भी दिया कि ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। इसके साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है जो थ्योरी में आपको करके जाना है। ये इसके आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट देने के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि वो क्या है। देन आपको पढ़ के जाना है डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कौन कौन सा सेक्शन आता है, अगर आपको याद होगा 80C, 80CCC, 80D, 80DD। तो गाइस आप लोगों को ये प्रॉपर सेक्शन करके जाना है। आप लोगों को पता होगा कि 80C में क्या क्या आता है, 80CCC किसके लिए होता है, 80D किसके लिए और 80DD किसके लिए होता है, 80U किसके लिए होता है। तो गाइस आप लोगों को ये करके जा रहा है, इसके बारे में आप देख लीजिए एक बार। बाद में डिडक्शन अंडर चैप्टर 24, डिडक्शन अंडर चैप्टर 24 कौन से में आता है, इनकम फॉर सैलरी, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, किस में आता है गाइस। तो डिडक्शन फॉर अंडर सेक्शन 24 इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी में आता है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये किस में आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए इनकम फॉर, जैसे कि 24 बोला इसके अंदर डिडक्शन में क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV, आपने देखा होगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू इसे बोलते हैं, जो हम इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी में निकालते हैं। अच्छा, और इसके साथ और भी रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है गाइस। अच्छा, देन फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में इनकम फॉर सैलरी का पार्ट है, ये आपको बता दिया। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोफेशनल टैक्स जो लेस होता है, इंटरटेनमेंट अलावेंस, ठीक है, जो डिडक्शन 16 में आता है, ऐसे ही आप लिखना है, एकदम सिंपल आपको लिखना है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। बाद में डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, तो उसमें जो जो आता है आप वो लिख दो। देन उसके बाद अलावेंस, बिजनेस एक्सपेंस, जो भी बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में लिख दो। ये 10 आपको थ्योरी गाइस करके जाना है, चाहे जो हो जाए, सिर्फ ये 10 ही करना है, 10 के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। और 10 के बारे में भी मैंने आपको बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो गाइस मैंने आप लोगों को दे दिया इसी वीडियो में। तो गाइस आई होप कि आपका मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया, और यही थ्योरी आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा आ सकते हैं एकाध, लेकिन आप इतना ही करके जाओगे आराम से मैक्सिमम आप मार्क्स, मतलब आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है गाइस। हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरी खत्म हो गया, हम प्रैक्टिकल सम पे जाते हैं अब। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को इधर दिख रहा होगा प्रैक्टिकल सम, तो ये प्रैक्टिकल सम में जो फर्स्ट सम है आप लोगों के सामने जो आ रहा है, ठीक है, ये है रेसिडेंटल स्टेटस का गाइस, ठीक है, किसका टॉपिक का है, रेसिडेंटल स्टेटस, ठीक है। इसमें आप लोगों को सामने वाला पूछता है कि आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालना है, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, मतलब आपका ये फॉर्मेट कैसा बनता है पता है, ऐसा एक लाइन रहता है, 3 कॉलम रहते हैं, पहले में पर्टिकुलर रहता है, फिर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता है, दूसरे कॉलम में रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरे में नॉन रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे कॉलम होते हैं। और बाद में फिर जो भी रहता है, जो भी आपका ये सेम पॉइंट लिखने का रहता है, किसमें किसमें टैक्सेबल होगा उसमें लिखने का रहता है, इसके बारे में गाइस मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मेरे इस वीडियो के आई बटन में, आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा होगा उसमें आपको लिंक आ जाएंगे, आप उधर से भी जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज ये वीडियो जब भी ख़त्म होगा तो आपके वीडियो के एंड पे 4 मेरे वीडियो आएंगे, उसमें से एक वीडियो रेसिडेंटल स्टेटस का ही होगा, आप उसे क्लिक करके अपन मतलब आगे का वीडियो ये देख सकते हैं कि रेसिडेंटल स्टेटस कैसा है हम सब, ओके गाइस। और एक चीज, रेसिडेंटल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन ये है कि गाइस एग्जाम में गारंटी इस टाइप का एक सम इंडिविजुअल टॉपिक से आता है जो 20 मार्क्स आपको देगा गाइस,
ये एक टॉपिक तो इससे करके जाना, ये इंपॉर्टेंस है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक सम तो इस पे जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है गाइस। मैं आगे और भी आप लोगों को बताते चलूँगा कि क्या क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आपको इनकम फॉर रेसिडेंटस आई थिंक समझ में आ गया आपको कौन से सम करना है। अच्छा, सम भी गाइस मैंने कोई बाहर से नहीं लिया हुआ है गाइस, ये आपका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है गाइस, मैंने उसी में से सम लिया। इधर लिखा हुआ भी है, देखिए इलास्ट्रेशन 16। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। आप सैलरी में इलास्ट्रेशन 16 में जाओगे, अगर जिनके पास न्यू बुक है उसमें कुछ 17 या 18 पे होगा यही सम, ठीक है। आप सम कैसे पहचानना पता है, मिस्टर जी करके ऐसा लिखा होगा, जो मैंने सामने नाम है, जो मेरे क्वेश्चन में सामने वाले पार्टियों का नाम है, उस नाम से आप क्वेश्चन को पहचान जाओगे। आपके इलास्ट्रेशन है, आपके बुक ही का लिया है, कोई ऐसा बाहर से नहीं दिखा रहा गाइस, ठीक है, कोई अलग से कुछ ऐसा करके नहीं दिखा रहा, आपके बुक्स का। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, क्यों पता है, इस एंड में आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताने वाला हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस ये इनकम फॉर सैलरी का सम है, आपको बेसिक सैलरी, DNS अलावेंस, ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहेगा जो मेरे क्लास में मैं सिखा चुका और ये सम भी मैंने सिखाया हुआ है। तो गाइस अच्छे से ये सम प्रैक्टिस करके जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। फिर आगे का और दिखा देता हूँ, आगे क्या है। देन गाइस आपके सामने दिख रहा होगा इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है गाइस, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी का सम एक गारंटी गाइस आप लोगों को सॉल्व करके जाना है, ठीक है, जिसमें जैसा लिखा हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर लेट आउट फ्रॉम बिजनेस, इस सम को कैसे करेंगे वो भी गाइस अगर आप लोगों को पता हो तो कर लेना। अगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन इसमें जरूरी है जो मैं बता देता हूँ, इधर लिखा हुआ है लेट आउट फॉर बिजनेस, ठीक है गाइस। काफी लोग इस क्वेश्चन को देख के ये, क्योंकि अपने को पता है इनकम अगर उसके पास जो घर है, अगर खुद के यूज के लिए कर रहा है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर लेट आउट किया हुआ है मतलब किसी को दिया हुआ है रेंट पे तब भी वो टैक्सेबल है, ठीक है। अगर बिजनेस के लिए दिया है तो इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी में हम वो इग्नोर करते हैं। लेकिन गाइस इधर अपने को मतलब ध्यान देना है कि वो खुद बिजनेस नहीं कर रहा है, उसने बिजनेस के लिए सामने वाले को लेट आउट किया हुआ है, मतलब ये वाला LOP वाला सम है, ठीक है गाइस। आप लोग अगर बिजनेस को देख के इसे इग्नोर करोगे तो नहीं गाइस, इसे इग्नोर नहीं करना है, आपको ये सम को करना होगा LOP मान के, ठीक है गाइस। चलो आगे का देख लेते क्या है, अगर आपको सब में कुछ डाउट है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। और इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी का भी मेरा वीडियो बना हुआ है, कैसे सम सॉल्व करने का है पूरा, मैंने बेसिक हर एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी मेरे वीडियो में, जब ये वीडियो खत्म होगा उसके चार में आपको एक मिल जाएगा इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है गाइस। तो चलिए हम आगे देखते हैं इनकम फॉर कैपिटल गेन, ठीक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें का एक सम तो डेफिनेटली गाइस आप लोगों को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। मैं दो जगह इंपॉर्टेंट लिखा हूं, एक रेसिडेंट में, एक कैपिटल गेन में। गाइस ये दोनों टॉपिक आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके जाना है, क्यों सॉल्व करके जाना है इसका मैं अभी आपको एंडिंग में जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये कैपिटल गेन का सम है, आपको गाइस सॉल्व करके जाना है और बहुत सिंपल सम है, एग्जाम में कैसे सम पूछते मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूं, डोंट वरी गाइस, सॉरी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो सोर्स होता है जैसे कि इनकम फॉर सैलरी में आपको बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस ये सब मिलता है, इसमें वो इनकम होते हैं जो आपके सैलरी से अलग होते हैं, जैसे कि मैंने बैंक में कोई FD करवा के रखा उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने डिबेंचर खरीद के रखा, मतलब आपके सैलरी के अलावा जो अदर इनकम होता है उसे बोलते हैं इनकम फॉर अदर सोर्स। और आपको इस टाइप का सम करके जाना जो इलास्ट्रेशन 8 है, आप और भी सम प्रैक्टिस करके जाना, ये मैं आपको लास्ट मूवमेंट पे बोलते हैं ना, लास्ट मूवमेंट पे आपको जो सम प्रैक्टिस करना चाहिए वो सम आपको गाइस बता रहा हूं, हर टॉपिक से एक सम बता रहा हूं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम में सम यही आने वाले, जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है गाइस। एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको, आई होप कि समझ में आ जाएगा। इधर लिखा हुआ है इस सम में देखिए सैलरी भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, डिडक्शन भी दो, ATD ATU, ठीक है। अच्छा देखिए जैसे कि हमने बचपन में A B C D ऐसा करके अल्फाबेट सीखे
गाइस राइट, अगर आप लोगों को पता होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हमने एबीसीडी इंडिविजुअली सीखा है, लेकिन आज हम ऐसा कई पढ़ते ए है, ये बी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रीड करने बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, बी ए एस आई सी, ऐसा पढ़ोगे? नहीं ना गाइस, आप तो सीधा बोलोगे ये बेसिक है। कहने का मतलब है कि हमने बचपन में एबीसीडी अलग अलग सीखा और आज हम मतलब बचपन में ही भी हम इसे जोड़ के पढ़ना सीखे थे। सेम चीज इधर भी, हमने इनकम फॉर सैलरी डायरेक्ट टैक्स में, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फॉर क्या अदर सोर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अलग अलग सीखे गाइस। लेकिन अब जो हमारे एग्जाम में आने वाला है वो अलग अलग नहीं आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में हमें सेम आने वाला है, ठीक है, मतलब मिला के हमें करने का, ठीक है। अब ये कैसे है देखिए सब, इधर आपका आंसर आपके बुक में ये इलास्ट्रेशन 8 है, ठीक है। तो इसमें अभी हमें बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि हमें समझ में नहीं आता सर कंप्यूटेशन में कि कैसे सम आ गया, कैसे हमको समझ में नहीं आता। तो इधर गाइस आपको पता चल रहा होगा बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस, हाउस रेंट, रिसीव, ये सब बेसिक सैलरी मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी का है, इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अच्छा थोड़ा नीचे में आ जाता इधर मेरे को फिर अदर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। देखो इधर एक दिख रहा है मेरे को, इधर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, मैंने किसी को लोन दिया 2 लाख का, उसके ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट मिला, तो मुझे पता चलेगा ये किसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सम है। तो मुझे पता चलेगा इसमें क्या क्या आ गया, सैलरी आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया, डिडक्शन आ गया, डिडक्शन में ATU ATD आ गया। अभी ATU किधर से पता चलता है, इधर देखिए हैंडीकैप, अगर SSC है, हैंडीकैप पर्सन है जो भी, तो वह ATU में चला जाता है, ATD मेडिकल से रिलेटेड होता है। तो ऐसे सम आते गाइस आपको एग्जाम में, अलग अलग नहीं आते हैं। अब अलग अलग कौन से टॉपिक से आते हैं मैं वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस आप लोगों को बताने वाला हूँ। और देखते हैं कि आपके पेपर में प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर हुआ उसमें आपको कैसे क्वेश्चन आए थे। गाइस मैंने 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बोला हुआ था, ठीक है, 2 टॉपिक आपको इंडिविजुअली करके जाना है, कौन से देख लेते हैं एक बार। जैसे कि रेसिडेंट बोला था, कंपलसरी 1-20 मार्क्स का क्वेश्चन गाइस आपको आएगा, और जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी टाइप में आएंगे, सिर्फ हाँ कुछ जगह वैल्यू चेंज हो जाएंगे, कुछ अलग नाम आ जाएंगे और कुछ नहीं गाइस। और ये कैपिटल गेन, ये आपके पिछले ईयर के ही एग्जाम में आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो ये एक सम शायद 10 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, इंडिविजुअल इस टॉपिक से आता है, मतलब ये जो 2 टॉपिक है गाइस आपको एग्जाम में 30 मार्क्स मिनिमम देगा। अगर ये 2 टॉपिक भी अगर आपने अच्छे से तैयारी करके गए, थ्योरी कर लिया जो मैंने आपको बताया 20 मार्क्स का, उसमें 20 मार्क्स से मैं मान लिया कि 10 मार्क्स भी आ गया, ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का, अगर उसमें से भी मैं मान लिया 10 मार्क्स आ गया, 10 10 20, और इसका अगर आपने अच्छे से किया पूरा 20 में लेता हूँ, इसमें का 10 आपको आ जाता है 50 मार्क्स, आराम से पासिंग मार्क्स आपने गाइस निकाल दिया है, ठीक। सिर्फ ये 2 टॉपिक भी अगर आपने जो तैयारी करके गए, जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया हुआ है वो बच्चों का, ठीक है। अच्छा एक तो ऐसे सम कैपिटल गेन के इंडिविजुअल आते हैं, और कंप्यूटेशन में कैसे आते हैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूं। ये भी पिछले साल के समय, ये इस तरीके के कंप्यूटेशन आते हैं, अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा तो बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस, इनकम फ्रॉम ये, सॉरी एक मत, मैं इधर से मार्क कर देता हूं तो आपको अच्छे समझा, इधर दिख रहा होगा गाइस बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, ठीक है, ये सब मुझे पता चल गया प्रोफेसर थे, इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा नीचे कुछ और दिया, ही ऑल्सो रिसीव द फॉलोइंग, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन FD डिपॉजिट फॉर बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बाद में फिर FD फॉर पोस्ट ऑफिस, मुझे FD किया हुआ, फिक्स डिपॉजिट किया और उधर से मुझे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी था, इनकम फ्रॉम सैलरी और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब 2 मुझे आ गया। अब इसमें डिडक्शन आ जाएगा, डिडक्शन कंपलसरी सब में मेजोरिटी में रहता ही है जो कंप्यूटेशन निकालने आता है, इधर लिखा हुआ अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो गाइस आपको एग्जाम में ऐसे ही सम आने वाले हैं, गाइस आपको ये प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए, कंप्यूटेशन के सम कंपलसरी प्रैक्टिस करके जाइए, और जितना हो सके उतना मेजोरिटी कंप्यूटेशन के सम करके जाइए, ये भी कंप्यूटेशन ही है, ठीक है। तो ये मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलने के पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ फिर से कि आपको क्या क्या करना है गाइस। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी बताया वो आपको करके जाना है, रेसिडेंट कंपलसरी जिस टाइप के सम मैंने बताया, ठीक है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, ये आपको करके जाना है, वो 3 कॉलम जो बना के दिखा उसका वीडियो मैंने इस
लिंक में मिल जाएगा गाइस। देन उसके बाद कैपिटल गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी इंडिविजुअली सम आते हैं, ठीक है। अब जो कंप्यूटेशन आता है गाइस, ठीक है, जो मेजोरिटी मार्क्स हमें देता है, कंप्यूटेशन किस तरीके के सम आपको ट्राई करके जाना है, जिसमें इनकम फॉर सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स प्लस डिडक्शन से रिलेटेड होगा, कंपलसरी एक सम इसमें आता ही है, जो आपको मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में भी दिखा दिया। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स प्लस डिडक्शन, ये वाले सम करके जाना है। तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स प्लस डिडक्शन, ये वाले, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आप अगर देख के जाते हो कंप्यूटेशन के, गारंटी आपका मैच्योरिटी मार्क्स आएगा टैक्स में, आई थिंक आप आउट ऑफ भी करके जाओ, ठीक है, 100 out of 100 भी ला सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपने मेहनत किया हो तो। इस वीडियो में गाइस इतना ही, लेकिन आप मेरी एक हेल्प करोगे गाइस, ये वीडियो जिस तरह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस थी, उसी तरह आपके जो फ्रेंड है आप उनकी भी मदद करो, इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड लोगों को शेयर करो जिनका एग्ज़ाम है, जो TY बीकॉम में है, जिनका एग्ज़ाम 9 तारीख को टैक्स का आने वाला है। सो गाइस आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है, अपने लाइफ का ये सक्सेस मोमेंट है, इसमें जो एक गैप है इसे फील करो और अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करो। थैंक यू सो मच गाइस, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।